हेलो। हाँ जी सर, ऋषिकेश बोलो। हाँ बताइए। सर एक सवाल था हमारा, अभी चर्चा में आया है आपका एक बयान के आपने कहा है कि अगला जो विधानसभा चुनाव है वो आप तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ेंगे बिहार में विधानसभा 2025 का। भाई हमने कहा कि हम लोग पिछला जो चुनाव लड़े थे जब नीतीश जी हम लोगों के साथ नहीं थे, तब जी भी तो उन्हीं के नाम पर हम लोग लड़े थे। कांग्रेस, जी लेफ्ट की जी सभी पार्टियां, ये हमने कहा है। अब आगे का चुनाव जी, अभी उसका वक्त कहाँ आया है। लेकिन एक तरह से आप हम चूंकि कांग्रेस के हमसे मुखिया आगे हैं। किसी ने जी जी बिल्कुल बताएं। हमसे आगे उन्होंने पूछा कि नीतीश कुमार जी ऐसे ऐसे बयान दिए हैं। हम तो जब नहीं भी थे तो हम लोग तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़े थे, तो जी इसमें कहाँ क्या हो गया कि आगे का चुनाव हम लोग लड़ेंगे। अभी उसका कोई समय आया है। जी लेकिन अगर परिस्थितियां वैसी होती हैं 2025 में, एक हम एक बस एक आपका स्टैंड जानना चाहते हैं अखिलेश जी कि अगर मैं परिस्थिति मेरा स्टैंड आज कैसे हो सकता है 25 का? आप लोग जो अपना न्यूज बनाना चाहते हैं जी तो वो तो गलत है ना। आज अभी लोकसभा का चुनाव है, जी अब कहाँ से कहाँ क्या एजेंडा तय करते हैं आप लोग। जी तो ये तो चुनाव ये लोकसभा का चुनाव जो है वो नीतीश तेजस्वी के नेतृत्व में कांग्रेस लड़ेगी बिहार में या राहुल जी के नेतृत्व में लड़ेगी? अभी तो सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, आप सभी जानते हैं अच्छी तरह से इस बात को कि जी बिल्कुल बिल्कुल, 26 इंडिया इंडिया 26 के दलों का इंडिया गठबंधन है, उसी में चुनाव लड़ा जा रहा है। एक थोड़ा सा प्री मैच्योर सवाल है अखिलेश जी हालांकि, लेकिन मौजूद है कि प्री मैच्योर सवाल का जवाब नहीं हो सकता है। तो इस बात को ऐसे समझिए कि कांग्रेस को कितनी सीटें की उम्मीद है चुनाव लड़ने के लिए उसके बिहार में? लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है जो इस काम को देख रही है, और जब आपकी कोई फैसला होगा समय पर आपको व्यक्तिगत बता तौर पर, निजी दिया। तौर पर अगर आपकी राय मानी पूछी जाए तो? निजी तौर पर कोई राय होती नहीं है राजनीति में, लेकिन हम लोग 9 सीट पर पिछली बार लड़े थे, जी तो इस बार इससे कुछ ज्यादा की उम्मीद है या उसी उसी के आसपास हम लोग मतलब 9 रहेंगे। सीट के आसपास या तो 10 हो या 8 हो या जो भी हो, मतलब उसी के आसपास आप और रहेंगे? जी। बिल्कुल और दूसरा एक चीज ये भी जानना था, ये जो हाल का जो बयान आया इनका नीतीश जी का, जो आज उन्होंने सफाई भी दी उस बयान पर कि उन्होंने कुछ और कहा था, मीडिया ने उसको कुछ और चलाया, कुछ और छाप दिया, इस बयान को आप किस नजरिए से देखते हैं? मैं मुझे अच्छी तरह मालूम है। मैं मोतिहारी में जो जो लोगों ने भाषण सुना उसका संदर्भ को हटा के और मीडिया ने तोड़ मरोड़ के पेश किया है उनके बयान को, और वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के विचारों का मुखालफत की बात वहाँ की है उन्होंने, और उस सरकार से छुटकारा चाहिए देश को, इसी लाइन पर उन्होंने भाषण किया था। जी अच्छा, अखिलेश जी एक आखिरी सवाल, क्या आप को मतलब मानते हैं या आपको लगता है कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री पद का चेहरा भविष्य में हो सकते हैं बिहार के लिए? तो हम लोग के तो ने तो बनाया था, तो आप ये सब क्या सवाल करते हैं? इसमें कोई कंफ्यूजन है जी बिल्कुल कि बिल्कुल कांग्रेस बिल्कुल पार्टी, वाम दल, राष्ट्रीय जनता दल का जो गठबंधन है वो तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बना के चुनाव लड़ा था। एक एक छोटा सवाल, सवर्णों का एक कैडर हुआ करता था कांग्रेस का, मुझे खुद भी याद है, मैं बचपन में जब मैं गांव पे रहता था तो बच्चे बच्चे की जुबान पे पंजा छाप हुआ करता था, वो ट्रेंड खत्म हुआ, वो कैडर आपसे रूठ गया, उनको मनाने के लिए क्या कुछ सोचा है आपने? अभी आपने देखा है जो जिला की कमेटी बनी है जी जिसमें 20-25 अपर कास्ट के लोग हैं जिला में अध्यक्ष। जी जी पटना ग्रामीण में भी हमने देखा है। जी, नहीं, पटना ग्रामीण का मैं नहीं बात कर रहा हूँ, मैं पूरे बिहार का बात कर रहा हूँ। जी 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 तो यहाँ तो ऐसे सभी जाति धर्म का समन्वय है इस पार्टी में। जी इस पार्टी में अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, गरीब अमीर सभी लोगों का समन्वय है, जी जी सबका शुक्रिया समान आदर है। शुक्रिया शुक्रिया अखिलेश जी। थैंक यू।